कहते हैं सफलता त्याग मांगती है। आपका कोई सपना है और आप उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं और वो आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। दिव्या तन्वर, जिसे आज कौन नहीं जानता, लेकिन इसके संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दिव्या तन्वर, जो कि एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इनके पिता एक किसान थे और शुरुआत के दिनों में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी और उस समय दिव्या सिर्फ 11 वर्ष की थी। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ माँ और दिव्या के कंधों पर आ गया था। माँ दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी और दिव्या भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी और इसी से उनके घर की गुजारा चलती थी। एक बार की बात है, जब दिव्या 8वीं क्लास में थी और उसके स्कूल में कोई फंक्शन था और उस फंक्शन में कलेक्टर साहब आए हुए थे। कलेक्टर साहब के स्पीच को सुनकर दिव्या काफी प्रभावित हुई और कलेक्टर साहब के इज्जत और रिस्पेक्ट को देखकर दिव्या ने भी सोच लिया कि हमें भी कलेक्टर ही बनना है। दिव्या ने घर के हालातों को देखते हुए 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दिव्या ने बीएससी पास करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गई। दिव्या के लिए यह सफर कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा। पैसे के अभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को टॉप करने का सपना देखा। शुरुआत के दिनों में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ना शुरू किया। दिव्या जिस कमरे में पढ़ती थी वो सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में खाना पीना, पढ़ना और सोना था। बस यही दिव्या के पूरे साल का शेड्यूल हुआ करता था। दिव्या ने कभी अपने हालातों को दोष नहीं दिया कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है उसी से अपना पढ़ाई जारी रखा। दिव्या का घर एक कच्ची छत थी। इसके बाहर में खाना बनाना और पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ही रूम और वो भी बारिश के दिनों में पूरी तरीके से टपकती थी। लेकिन दिव्या ने इन सब को इग्नोर किया और कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त कर दिव्या ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ जीतोड़ मेहनत और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दिव्या ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माँ को दिया। उन्होंने कभी दिव्या के ऊपर दबाव नहीं डाला कि घर का काम करे। माँ ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुँचा दिया है। दिव्या के इस उपलब्धि पर उनका पूरा गाँव गर्व से मोहित हो उठा और दिव्या के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। दिव्या ने पहले ही प्रयास में 438 रैंक के साथ आईपीएस बनी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ करने की आग होती है वह एक जीत से नहीं रुकते। दिव्या ने इस पद से एक साल के लिए ब्रेक ले लिया और अगले साल 2022 में फिर से यूपीएससी में टॉप किया और 105 रैंक के साथ आईपीएस से आईएएस बनी। आज पूरे हरियाणा की धड़कन मानी जाती है आईएएस दिव्या। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? ऐसी लड़की जिसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया, माँ ने मेहनत मजदूरी कर पढ़ाया, घर के हालात ऐसे थे कि कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कर गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।